हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, फ्रॉक, कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 8 रोज़ का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2। इसमें मैंने 3 मल्टीपल करके 12 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 14 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड सारे फंदा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट कर दिया है। अब सेकेंड रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। फोर रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ रो में अब हम डिजाइन डालेंगे। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे करना है। अब एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है इस तरह से। फिर यार्न ओवर करना है आगे की साइड से। फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। अब एनओवर किया फंदा, ये दो फंदे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है इस तरह से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है। फिर यार्न ओवर, आगे की साइड से यार्न ओवर कीजिए। फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। अब एनओवर किया फंदा, तीन फंदे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है इस तरह से। फिर से वही रिपीट करना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। फिर यार्न ओवर, दो फंदा उल्टा, एक दो। अब एंड ओवर किया फंदा, तीन फंदे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है इस तरह से। फिर से वही रिपीट करना है, एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप कीजिए। फिर यार्न ओवर, अब दो फंदा उल्टा, एक दो। अब एनओवर किया फंदा, एक तीन फंदे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है।
यहाँ से यहाँ तक चार डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा धागा पीछे, लास्ट का एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर दिया है। अब सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब ये तीन फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, ये पीछे की दो फंदा को आगे लाना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस दो फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, एक दो। अब ये तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, तीन फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की दो फंदा को आगे लाना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस दो फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, एक दो। अब ये तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। फिर से वही रिपीट करना है, तीन फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे लाना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, एक दो। अब ये तीन फंदा फिर सीधा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ तक तीन डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। फिर से वे एक बार रिपीट करना है, ये तीन फंदा को ट्विस्ट करना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट मिरर में लेना है। अब ये तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ से यहाँ तक चार डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए ये डिजाइन जस्ट एट रोज का है, एट रोज में ऐसा डिजाइन बन के आएगा। अब फिर से रो वन से एट तक रिपीट करके जाना है। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।